हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू डेफिनेशंस. वन इज रेडियन एंड अनदर इज स्टीवेडियन. अब देखिए, रेडियन क्या होता है और स्टीवेडियन क्या होता है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वन रेडियन की. तो देखिए, वन रेडियन क्या होता है. तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल. क्या होती है? प्लेन एंगल. प्लेन एंगल यानी कि एक ऐसा एंगल जो एक प्लेन में मिले, प्लेन के ऊपर बने. प्लेन यानी कि जैसे ये पेपर आप देख रहे हो, ये एक प्लेन है. प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन. ठीक है, जैसे एक लाइन ये खींचती, एक लाइन ये खींचती, दोनों की दोनों लाइन जो है वो पेपर के ऊपर पड़ी हुई हैं. और पेपर क्या होता है, जब ऊपर से हम इसको देखते हैं फ्रंट से, तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को ही हम बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल. तो जो प्लेन एंगल जो होता है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन. प्लेन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, रेडियन. और इस रेडियन को हम जो डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, हम वो करते हैं स्मॉल लेटर आर ए डी. आर ए डी, तो इस तरीके से हम इसको क्या है वो डिनोट करते हैं. वैसे हम जो ये एंगल है, इसको किस में दिखाते हैं, डिग्री में दिखाते हैं. 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री. लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है रेडियन. अब वन रेडियन एंगल जो है वो कितना होता है, वही हमें जो है वो पढ़ना है. तो इसकी डेफिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं आपको समझा के दिखाता हूँ. मान लीजिए ये एक पॉइंट है ओ, और इस ओ पॉइंट से मैंने एक ये लाइन खींच दी, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पे पी. ओ से लेकर के पी पॉइंट तक मैंने जो है एक लाइन जो है वो खींच दी है. अब क्या करो, अब ओ से पी तक हम जो है ये अपना प्रकार है, इसको ओ पॉइंट पे रखेंगे इसकी नीडल को, और जो ये पेंसिल या पेन जो है इसको पी पॉइंट पे रखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे एक आर्क यानी कि चाप. ये हमने चाप लगा दी. अब ओ से लेकर के पी तक ये जो रेडियस है, या फिर ये जो लेंथ है, ये जितनी भी लंबाई है, यदि आर्क की लंबाई भी उतनी ही है. मान लीजिए कि ये जो लेंथ है, यदि ये लेंथ 1 मीटर है, और ये हमने जो है प्रकार का यूज किया, और हमने ये जो आर्क लगाई, इस आर्क की पी पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है क्यू, और पी से लेकर के क्यू तक का लेंथ भी यदि 1 मीटर है, तो इस आर्क का जो क्यू पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन खींचिए जो ओ पॉइंट के ऊपर मिले. तो हमने ओ टू क्यू एक लाइन खींच दी. तो ऐसे में यहाँ ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, जिसको हमने डी थीटा से जो है वो डिनोट किया है, ये एंगल कहलाएगा वन रेडियन. तो फिर से सुन लीजिए, मान लो हमारे पास एक लाइन है, वो लाइन है ओ पी, और उस लाइन की जो लेंथ है 1 मीटर, और हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से क्यू तक एक आर्क जो है वो लगाते हैं, और यदि इस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस की लेंथ के ही इक्वल है, तो क्यू पॉइंट जो इस आर्क का दूसरा एंड है, इस एंड से भी हम जो लाइन है वो ओ पॉइंट पे मिला देते हैं, तो इस लाइन और इस लाइन यानी कि पी टू ओ लाइन और क्यू टू ओ लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाता है, वन स्टीवेडियन कहलाता है. और इसको हम कंप्लीट करें तो ये एक सर्कल भी बना सकते हैं इस तरीके से. तो इस तरीके से हम इसको क्या बना सकते हैं, एक सर्कल. मैं डार्क इसको नहीं बनाऊंगा, तो इस तरीके से हम जो है वो एक सर्कल बना सकते हैं. तो देखिए, ये क्या है, एक कंप्लीट जो है एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये क्या है, एक रेडियस है, और इस रेडियस के ऊपर से हमने जो है ये आर्क यहाँ तक बनाई, और ये आर्क की लेंथ यदि इसके लेंथ के बराबर है, जो है रेडियस के लेंथ के बराबर, तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, वन रेडियन, जिसको डी थीटा से हमने डिनोट किया है. और इसका फॉर्मूला होता है आर्क इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो एंगल बना है वन रेडियन, एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू डी एस अपॉन में आर. यानी कि डी एस क्या है, डी एस जो है अपनी आर्क की लेंथ है, और आर क्या है, ये अपनी रेडियस है जो हमने 1 मीटर लिया था. यानी कि एंगल बराबर होता है किसके, आर्क अपॉन में रेडियस के, और ये रेडियन में. जब इस एंगल को मेजर किया गया तो ये कितना पाया गया, 1 रेडियन बराबर होता है, इस एंगल को यदि हम मेजर करें तो 57.7 डिग्री ये एंगल होता है. तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल.
तो ये कहता है यदि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर यदि हम जो है एक आर्क लेके चलें और उस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के अंदर जो रेडियस है उसके बराबर है, तो आर्क के दोनों पॉइंट से सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड होगा वही कहलाएगा वन रेडियन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन स्टीरेडियन। तो वन स्टीरेडियन जो हो क्या होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल जो हो 2D के लिए है और सॉलिड एंगल जो हो 3D के लिए है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसको जो हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है जो स्टेरेडियन की वो क्या होती है, स्मॉल लेटर S और स्मॉल लेटर R, स्टेरेडियन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। अब देखिए वन स्टेरेडियन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई जो है वो कोई सॉलिड कोई स्पीयर है, जैसे मान लो क्रिकेट की कोई बॉल है वो सॉलिड है, और वो सॉलिड बॉल को यदि हम कुछ इस तरीके से काटें कि उसके अंदर से एक सॉलिड कोन निकल जाए, कोन यानी कि शंकु उससे निकल जाए, ठीक है, और जो शंकु उसमें से निकले तो वो शंकु उसमें से निकलेगा बॉल में से, तो बॉल के अंदर एक जो है शंकु बन भी जाएगा। देखो एक बॉल है अपने पास, उस बॉल के अंदर से हम जो है एक कोन का शेप निकाल लेते हैं, एक कोन हमने बाहर निकाल लिया, सॉलिड कोन बाहर आ गया, तो बॉल के अंदर भी जहाँ से वो कोन निकला है तो वहाँ पे एक क्या बन गया, एक शेप बन गई, कोन की शेप बन गई बॉल के अंदर। और वो कोन की शेप कैसी दिखाई देगी, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज कोन। तो ये आप उस बॉल के अंदर झांक करके देखोगे तो आपको इस तरीके से ये जो है वो गड्ढा नजर आएगा, ठीक है, और ये उस गड्ढे की क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी या रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो ये वो लेंथ है अंदर से लेकर के ये जो है वो यहाँ तक, ये चीज़, ठीक है। और ये जो कोन है ये कोन का क्या कहलाता है, सरफेस एरिया, जो सर्कुलर होता है, ठीक है, ये कोन का सरफेस एरिया है, ये कोन का जो है वो रेडियस है, और ये जो गड्ढा आप देख रहे हो, ये जो गड्ढा आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये मैंने जो है पेज पे भी बनाया है, ये अपना एक कोन है, ये कोन का जो है वो सरफेस एरिया है जो सर्कुलर है, और ये जो एंगल है जिसको मैंने डी ओम से डिनोट किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल जो है वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ये जो एंगल निकालेंगे हम डी ओम, तो ये बराबर होता है सरफेस एरिया, यानी कि डी ए से हमने सरफेस एरिया को डिनोट किया है, अपॉन में रेडियस या फिर जो ये डिस्टेंस दे रखी है इसका स्क्वेयर। और ये सॉलिड एंगल किस में आ जाएगा, स्टीरेडियन में आ जाएगा। अब हमें ये पढ़ना है कि वन स्टीरेडियन एंगल जो है वो कितना होता है, वन स्टीरेडियन एंगल जो है वो कितना होता है। तो देखो ये जो कोण हमने यहाँ पे निकाला है, ये जो कोण हमने यहाँ से निकाला, यदि इस कोण का ये जो सर्कुलर जो इसका जो सरफेस है ऊपर ये वाला, इसका एरिया यदि 1 मीटर स्क्वेयर है, ये एरिया कितना है, यदि 1 मीटर स्क्वेयर का एरिया है, इफ दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया यदि कितना है, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वेयर, और जो ये लेंथ है आर ये कितनी हो 1 मीटर, इफ दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, देन दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो अभी देखो इसके अंदर वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्पीयर बाई दैट सरफेस ऑफ ए स्पीयर विच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो देखो ये क्या बोलता है, इस रेडियस के अंदर ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से इस तरीके से हम जो है वो रेडियस ड्रॉ करें, बहुत सारी रेडियस जो है वो यहाँ से हम ड्रॉ करें, एक हमने यहाँ पे दिखाई, एक यहाँ से दिखा दूँ, एक यहाँ पे, और वो सारी रेडियस इस सेंटर के ऊपर जाके मिलें, और ऐसा जब हो तो ऐसा होने में जो जितना सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वेयर, तो इसकी ये जो रेडियस है ये भी कितनी हो 1 मीटर, तो यहाँ पे जो अंदर जो ये गड्ढा या फिर ये जो एंगल बनेगा यही कहलाएगा 1 स्टीरेडियन। होप सो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।